ओवर अबाउट द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखना है तो हम देखेंगे दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन कौन सी, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब फर्स्ट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, क्या इस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या देखना है, डिटेल हमें देखना है, डिटेल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हमें देखना है। अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल बना सकते हैं। देन सेकंड वन दैट इज द नेक्स्ट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, ये टिश्यू मतलब एक सिंगल सेल से, ये अगर सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल को अगर ग्रोथ मीडियम में हम रखते हैं, सिंगल सेल न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म बराबर है, कोई भी पार्ट बॉडी का, प्लांट के बॉडी का कोई भी पार्ट इस सेल के अंदर अगर हम रखते हैं बराबर, सेल के अंदर मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ग्रोथ मीडियम मतलब कल्चर मीडियम यहाँ पे होगा, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सभी कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड मेनी अदर कंपाउंड दोज रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सभी फैक्टर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर इस ग्रोथ मीडियम में। और यहाँ पे क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे हमें क्या दिखेगा बाद में, इस सेल से एक प्लांट अराइज होकर दिखेगा, लाइक इस तरह एक प्लांट वहां पे हमें दिखेगा, स्मॉल प्लांट टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखेगा। दैट इज द टिश्यू कल्चर प्रोसेस। ये यूज होता है जनरली बनाना प्लांट, कहाँ पे यूज होगा, बनाना प्लांट में जनरली सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं वहां पे ये टेक्निक वाइडली यूज होती है प्लांट। देन उसके बाद एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर में यूज होता है, एनिमल के टिश्यू से आइडेंटिकल कॉपी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देन जनरेटिव मेडिसिन, मेडिसिन भी फॉर्म कर सकते हैं, जो रिक्वायर है रिक्वायर्ड ड्रग, ड्रग के हिसाब से हम वो मेडिसिन बना सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ जीनोम, जीनोम के लेवल पे। देन इम्यूनोलॉजी, अब इम्यूनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी पावर इंप्रूव करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, एनिमल के सेल के अंदर, मतलब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जीन थेरापी, अलग अलग थेरापी यहाँ पे है, वो हम देखेंगे, डिटेल हमें देखना है। देन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मतलब अपना जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पोल्यूटेंट जो है, अगर हमारे साइड में अगर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स है, तो पोल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी दैट इज द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंडर वो आता है। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे प्रिजर्व करेंगे, फ्यूचर तक वो कैसे ट्रांसफर करते जाएंगे, वो प्रोसेस हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं उसको। देन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी मतलब माइक्रोबियल जीनोमिक्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स माइक्रोब्स का यूज करके हम माइक्रोब्स बायो पेस्टिसाइड्स हम बना सकते हैं। माइक्रोब्स का यूज कैसे करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस द यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड। हम जनरली क्या करते हैं, फार्मर जनरली क्या करते हैं, अगर वहां पे पेस्ट अगर कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का वाइडली यूज करते हैं बराबर। लेकिन इस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री में जो एंजाइम चाहिए, जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम हम फॉर्म कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से इंडस्ट्री में जो भी एंजाइम चाहिए अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, इस बराबर इस 12 डिग्री के ऊपर वो सर्वाइव नहीं होता अल्कोहल में बराबर, उसका सर्वाइवल रेट हम 30-50 डिग्री मतलब 30-50% कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल में भी वो सर्वाइव होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर ये बायोटेक्नोलॉजी थ्रू हम वर्क कर सकते हैं।
देन जीनोमिक्स, अब जीनोमिक्स आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बराबर, उसका यूज क्या था, जीनोम का सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई होता है तो डिफरेंट डिसीजेस क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं बराबर। ये सभी प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है। अब इस एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे कैसे यूज होता है ये हम डिटेल देखने वाले हैं, हमें आगे पढ़ना ही। उसके बाद आपके किताब में एक दिया है टेबल दिया है 12.7 ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर, इस चार्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आए स्टेट बोर्ड में। अब यहाँ पे देखो डिसऑर्डर, फर्स्ट कॉलम है डिसऑर्डर डिसीज और हेल्थ कंडीशन दिया है, सेकेंड कॉलम है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो एनीमिया, क्या है ये एनीमिया, क्या एनीमिया का मीनिंग क्या होता है, एनीमिया मतलब वीकनेस बराबर। जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी एचबी की क्वांटिटी कम होती है तो अपने आप वीकनेस होती है, मतलब आरबीसी जैसे कम होगा या हीमोग्लोबिन कम होता है तो वीकनेस होता है बराबर, डिफेक्टिव कंडीशन। वीकनेस हुआ तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और हमारे बॉडी में मतलब डिसीज क्रिएट करेगा बराबर। अब इसे क्योर करने के लिए, एनीमिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन नाम का क्या बनाया यहाँ पे प्रोटीन, वो जैसे हमारे बॉडी में इंसर्ट होगा प्रोटीन वो क्या होगा हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस पावर बढ़ने के बाद हमें कोई डिफेक्टिव कंडीशन नहीं रहेगी हमारे बॉडी। देन सेकेंड अस्थमा, अस्थमा पता है सबको बराबर, अस्थमिक अटैक मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए काफी प्रॉब्लम जाता है, उसके सेंस में इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर ये प्रोटीन है, क्या ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर प्रोटीन, ये आर्टिफिशियली आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हमने बनाया, ये आपको याद रखना है। विच प्रोटीन यूज इन अस्थमा विद हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हार्ट रिलेटेड डिसीज बराबर। अब एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है इसका मीनिंग समझ लेंगे पहले। अब डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल इन ए आर्टरी, अब यहाँ पे आर्टरी जो होती है उस आर्टरी में, आर्टरी के अंदर क्या होगा यहाँ पे ये जब आर्टरी है जहां से ब्लड फ्लो होता है ये आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में, ये आर्टरी है तो इस आर्टरी से जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट को ब्लड सप्लाई जो होता है वहां पे कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, वेन डिऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरी ऑक्सीडेटेड ब्लड ट्रांसफर कर देती टुवर्ड द हार्ट। यहां से जैसे वो ब्लड ट्रांसफर होगा बराबर, उस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी जो ज्यादा होने के कारण या फैट की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण, डायरेक्ट फैट की कोई नहीं होगी, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरी के ऊपर, जैसे वो आर्टरी के ऊपर डिपॉजिट होगा तो क्या होगा यहाँ पे ये ब्लॉक होगा बराबर, मतलब ये जो है जो ब्लड यहां से यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए था वो क्या हुआ ब्लॉक हो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बराबर। कैल्शियम भी डिपोजिट हो सकता है, एक्सेसिव कैल्शियम है तो वो भी डिपोजिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जनरली कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होगा और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है तो यहाँ पे क्या होगा ब्लॉक होगा, दैट इज द क्लॉक कंडीशन, साइंटिफिक वे से उसे क्लॉक कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मान लो अगर हार्ट को ब्लड ही सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट वर्क करना क्या करेगा बंद कर देगा बराबर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेट से प्लेटलेट से रिलेटेड एक ग्रोथ फैक्टर जो है वो प्रोटीन वहां पे डिजाइन किया है ओनली फॉर द टू रिड्यूस द कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज कम करने के। देन पार्चुरेशन प्रोसेस, पार्चुरेशन प्रोसेस मतलब एक्सपेल ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है दैट इज द नाइन्थ मंथ,
उस वक्त अपने आप लेबर पेन शुरू होना स्टार्ट होगा। अब लेबर पेन यहाँ पे स्टार्ट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेबर पेन, वहां पे स्टार्ट होगा ओनली फॉर द टू डिलीवर चाइल्ड फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड द बॉडी इन फीमेल। मतलब फीमेल में जो यूटेरस के अंदर बेबी होता है वो आउटसाइड बॉडी के बाहर वो डिलीवर होता है फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड द बॉडी। उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। ये नेचुरली होता है। अब नेचुरली होता है कब होता है, जब लेबर पेन होगा तब। वो लेबर पेन कब होगा, जब वहां पे हार्मोन चाहिए, कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। वो रिलैक्सिन हार्मोन अगर फॉर्म होगा तभी वो लेबर पेन होके वो नॉर्मल डिलीवरी होगा, अदरवाइज वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी वहाँ पे नहीं होगी। मतलब रिलैक्सिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ लास्ट ट्राइमेस्टर देन उसके बाद नेक्स्ट ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर बॉडी से बाहर अगर ब्लड डैमेज, अगर कोई पार्ट हमारे बॉडी का डैमेज हुआ तो ब्लड बाहर जाता है, बराबर। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी चाहिए और क्लॉटिंग फैक्टर भी चाहिए, बराबर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे, दैट इज द टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये हमने आरडीएन टेक्नोलॉजी से बनाया है। देन कैंसर, अब कैंसर के लिए ये प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटीन हमने बनाया, लेकिन उसका रिजल्ट जैसे चाहिए था वैसे नहीं है। इंटरफेरॉन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिंस, देन मैक्रोफेजेस एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सभी पार्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हम आरडीए टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है। देन डायबिटीज, डायबिटीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम हुआ विच कॉज दिस इज, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस, बराबर है। लेकिन हम अभी ये जो आरडीएन टेक्नोलॉजी प्रोसेस हमने देखा है वहां पे क्या किया है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ही, बराबर है, यहां से हमने कट किया है ह्यूमन सेल से, कहां पे प्लेस किया है सुटेबल वेक्टर में, वो सुटेबल वेक्टर कहां पे एंटर किया है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, बराबर है। विद हेल्प ऑफ आरडीएन वो कहां पे एंटर किया है कॉम्पिटेंट, और उसकी मल्टीपल कॉपीज यहां पे हमने बनाई है। मतलब इस आरडीएन टेक्नोलॉजी से इंसुलिन प्रोडक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है जीन उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा। देन उसके बाद एम्फीजिमो, अब एम्फीजिमा क्या है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये फॉर्म करते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब एम्फीजिमा क्या है, वॉल ऑफ लंग्स विच इज मेड अप ऑफ एयर स्पेस, वहां पे प्रेजेंट होती है एयर सैक प्रेजेंट होती है, जस्ट लुक लाइक ग्रेप्स, बराबर, यहाँ पे ग्रेप्स जैसे इसकी वॉल प्रेजेंट होती है, बराबर। लंग्स के वॉल के अंदर एंड पार्ट क्या होता है, यहाँ इस तरह यहाँ पे क्या होगा ग्रेप्स लाइक, बराबर, यहाँ पे अल्वियोलाई, बराबर, अल्वियोलाई सैक प्रेजेंट होती है, अल्वियोलर सैक बोलते हैं, बराबर, अल्वियोलाई यहाँ प्रेजेंट होती है। वो क्या करते हैं, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है, बराबर। ब्लड कैपिलरीज के साइड में प्रेजेंट होती है, वहां से वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वहां से वो क्या करेगी गैसेस एक्सचेंज करेगी, और गैसेस एक्सचेंज करने के लिए मतलब यहाँ पे लंग के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्वियोल है, दैट इज द एयर सैक भी उसे कहते हैं। वो क्या होता है ब्लॉक होते है। अगर वो अगर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यहाँ पे क्या होगा अस्थमिक अटैक आने के चांसेस होते हैं। वो क्या होता है लंग्स का फंक्शन प्रॉपर वे से नहीं होगा, फ्लोपी लंग होता है वहाँ पे, लंग का फंक्शन मतलब गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी ये क्या है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, बराबर। हीमोफीलिया ए ये डिसीज है, हीमोफीलिक डिसीज इज नोन एज लीडर डिसीज भी कहते हैं। मान लो हमारे बॉडी का पार्ट कोई कट हुआ डैमेज हुआ, खेलते खेलते अगर हम गिर गए
तो कोई पार्ट अगर वहां पे डैमेज हुआ बराबर है, तो यहां से अगर ब्लीडिंग हो रही तो क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, वहां पे कंटिन्यू ब्लड बाहर क्या होगा ट्रांसफर होते जाएगा कंटिन्यू। ये प्रोसेस मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, ब्लड क्लॉट होगा क्या वहां पे, नहीं होगा। फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड कंटिन्यू बाहर निकल दे जाएगा, दैट इज द ब्लीडर डिसीज यू से कर। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और फैक्टर 9 हम आर्टिफिशियली आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम बना सकते हैं। देन उसके बाद हीमोफीलिया बी, दैट इज द फैक्टर 9, और हेपेटाइटिस बी, सभी ने ये वैक्सीन लिया है, हेपेटाइटिस बी किसके लिए है, ये सीरियस लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, ये लीवर का इन्फेक्शन है बराबर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं। उस हेपेटाइटिस बी के रिस्पॉन्स से हमारे बॉडी में एक वायरस जो होता है, वो वायरस अगर एंटर हुआ, कौन सा, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसके वजह से हेपेटाइटिस बी ये डिसीज होता है बराबर। उसका एक वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाइडली यूज होती है। दिस इज ओवर अबाउट द आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट पीरियड।